जियोग्राफी जो है वो ब्रांच है जोलॉजी की, ठीक है। कौन सी ब्रांच है? विच डील विथ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द सर्फस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, उसको हम सारा जो है वो इसमें स्टडी करेंगे। बेसिकली जो जियोग्राफी है ये जियोग्राफी की ही एक ब्रांच है या सब ब्रांच है। जियोग्राफी क्या होता है? जियोग्राफी होता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। यानी कि जियोग्राफी में हम एनिमल्स को भी स्टडी करते हैं और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्टडी करते हैं कि डिफरेंट अर्थ जो है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के जो प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो किस बेस पे हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है। अब देखिए कि जो जियोग्राफी है इसको मेन टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, फाइटो जियोग्राफी एंड जू जियोग्राफी। फाइटो जियोग्राफी जो है ये ऐसी होगी जिसमें हम कंसर्न करते हैं, स्टडी करते हैं प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो जू जियोग्राफी है, जू जियोग्राफी ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो है जू जियोग्राफी का, यानी कि हमने एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। हिस्ट्री में देखें जी, हिस्ट्री जो है वो मेनली इसकी हिस्ट्री तब से, जूजियोग्राफी जो है वो तब से ही स्टार्ट हो चुकी थी जब जो है वो इंसान ने दुनिया के अंदर इस ज़मीन के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। ट्रैवलिंग के थ्रू वो डिफरेंट एरियाज़ में जाते थे, वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देखते थे। तो डेफिनेटली उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता था कि इस एरिया के जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो दूसरे एरिया से डिफरेंट हैं या सेम हैं, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई है। लेकिन बेसिक हिस्ट्रीज़ की कब स्टार्ट हुई? जब सबसे पहले कैप्टन जेम्स कुक जो है इन्होंने जो है वो फर्स्ट टूर किया था वर्ल्ड का 1768 टू 1771 का, ठीक है। और इनका जो फर्स्ट वर्ल्ड टूर था, इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो वर्ल्ड टूर किए थे, लेकिन इनका इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ये बताया था। जब इन्होंने अपने सफ़रनामा जिसे कहते हैं वो लिखा, तो उसमें उसने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट रीजन्स के ऊपर जो एनिमल और प्लांट लाइफ है वो कौन कौन सी है। लेकिन इन्होंने इस बात को डिस्कस नहीं किया था कि ये कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकती है, इसलिए जो है वो इनको सबसे फर्स्ट पर्सन माना जाता है जिन्होंने जियोग्राफी की बेस रखी। ऑल्दो वो उस टाइम पे वो नहीं जानते थे कि मैं कौन सी साइंस जो है वो मैंने